हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वॉशिंग मशीन के हिलने की मिस्ट्री नहीं सुलझ पा रही अब तक, क्योंकि पहले जो क्लूज मिले, जैसे कि वॉशिंग मशीन बिल्कुल नई है, पावरफुल है और कम बिजली खाती है, तो उससे लगा कि मशीन में शायद इनबिल्ट बैटरी और टाइमर लगाने का ऑप्शन हो। फिर उसके बाद क्लूज मिले कि सीविंग के वायरिंग में प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिशियन पिछले 2 दिन से नहीं आया, तो ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन फिर साबित हो गया कि ये मशीन वायर निकालने के बाद भी चल रही है, तो अब क्या रीजन हो सकता है वॉशिंग मशीन के हिलने का। क्योंकि अगर चार्जिंग और शेड्यूलिंग का ऑप्शन होता तो डीपी कंपनी का मालिक जरूर बता देता, और वायरिंग में प्रॉब्लम होती तो वायर निकालने के बाद मशीन नहीं चलती। और डीपी कंपनी का मालिक तो उल्टा जेठालाल पर ही गुस्सा हो गया कि उसने उस वीडियो को फैलाया, तो उस पर मानहानि का दावा कर देगा 3-4 करोड़ रुपए का। और टप्पू ने तो वो वीडियो मीडिया में भी दिखा दी। अब सब बैठे हैं उसके हिलने का रीजन पता लगाने। तो अब क्या रीजन हो सकता है? अब या तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई मोटा सा चूहा घुस गया जो कि बीच बीच में मशीन को हिलाने लग जाता हो, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो बाकी लोग जिन्होंने वॉशिंग मशीन ली है उनके साथ भी ऐसा जरूर होता। तो फाइनली दोस्तों, अभी तक के लिए तो कंक्लूजन यही निकल कर सामने आ रहा है कि उसमें शायद चूहा घुस गया हो जो कि मशीन को हिला रहा हो, या फिर चूहे जैसा कुछ और। तो दोस्तों आप बताओ कि क्या रीजन सामने निकल कर आएगा फाइनल में वॉशिंग मशीन के हिलने का। आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें।